परमवीर चक्र विजेताओं की शौर्य गाथा बताते वंदे मातरम उद्यान का शुक्रवार को भूमि पूजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम उद्यान से जुड़ी संपूर्ण जानकारी साझा की। शहर के लोगों में परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जानकारी हो और उनके सम्मान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वंदे मातरम उद्यान की प्रस्तावना रखी गई है। 1,22,000 स्क्वायर फीट में फैले इस वंदे मातरम उद्यान में मनपा की ओर से 2.5 करोड़ की निधि पारित की गई है, ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस उद्यान में कई सुविधाएं नागरिकों के लिए मुहैया कराई गई है। नमस्कार, आज की पत्र परिषद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ में साथ ही साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, इस दोनों के दुग्ध शर्करा योग पर महानगर पालिका ने अनेक उपक्रम लिए हैं। उसी उपक्रम में से एक उपक्रम की जानकारी आपको देने के लिए आज की इस पत्र परिषद का हमने आयोजन किया है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं वाद विवाद स्पर्धाओं में जाता था और उस स्पर्धा में मैं मंच पर से सिर्फ भाषण देता था तो एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आता था जो मैं लोगों के समक्ष रखता था। वो प्रश्न यह था कि हम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा वंदन के बाद नारे लगाते हैं, तो नारे लगाते समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, ये 4-5 नारे आजादीची 75वीं वर्षगांठ म्हणजे देशाचा अमृत महोत्सव हे साजरा करण्यासाठी लोकांकरता काहीतरी एक अभिनव उपक्रम झाला पाहिजे या दृष्टीने महापौर म्हणून देशाच्या एकते अखंडतेसाठी ज्या सैनिकांनी आपला आत्मोत्सर्ग केला, बलिदान केला, त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ जे परमवीर चक्र विजेते आहे त्यांना अभिप्रेरित त्यांना स्मृती देऊन एक उद्यान वंदे मातरम उद्यान महानगरपालिकातर्फे 1,22,000 स्क्वेअर फीटमध्ये साकार करण्यात येत आहे। याच्यासाठी महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये 2.5 कोटीचा प्रोव्हिजन केलेला आहे। म्युरलच्या माध्यमातून 84 कोटीचा वेगळा प्रयोजन केलेला आहे। असा जवळपास 3.25 कोटीचा प्रयोजन नागपूर महानगरपालिकेने केला आहे। याशिवाय पश्चिम नागपूरचे पूर्व विधायक सुधाकरराव देशमुख यांनी 25 लाख रुपयाची निधी दिली होती। वर्तमान मध्य नागपूरचे विधायक यांनी 50 लाख रुपयाची निधी दिली आहे आणि यांचा पूर्ण विस्तार आणखीन करण्यासाठी 1 कोटी रुपयाचा आणखीन नियोजन कालच त्यांनी पत्र दिला करण्यासाठी सांगितलेलं आहे। शुक्रवार को इस उद्यान का भूमि पूजन परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के हाथों होने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।